नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाइक चालक की लापरवाही से महिला और युवक घायल। बीएसएफ के जवान के निधन पर उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सिरमंडी के पास हाईवे पर दो कारों में हुई जबरदस्त भिड़ंत। बुजुर्ग से मारपीट कर 2 लाख रुपए उड़ा ले गए बदमाश। करौली धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 पर सड़क किनारे पैदल जा रहे पदयात्रियों को पीछे से आई बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उपचार चालू कराया गया, लेकिन घायलों की गंभीर हालत के चलते चिकित्सक अग्रवाल ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। देवी जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, गढ़रपुरा गांव पर एक बाइक आई, बाइक पीछे से, उसने पीछे से टक्कर मारी। मैं और मेरी माई दोनों घायल हुए और 108 नंबर गाड़ी एम्बुलेंस से अस्पताल भर्ती किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा गांव निवासी 76 BN BSF कल्याणी कोलकाता बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात जवान सत्यवीर सिंह का 21 मार्च की रात्रि को ड्यूटी के दौरान अकस्मात हृदय गति रुक जाने के चलते निधन हो गया। BSF के अधिकारियों द्वारा जब परिवार को यह दुखद सूचना दी गई, तो सोने का गुर्जा गांव में शोक छा गया। शुक्रवार को मृतक जवान की पार्थिव देह को पहले कोलकाता से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली से BSF के विशेष वाहन द्वारा तिरंगे में लिपटे ताबूत में बंद सत्यवीर सिंह की पार्थिव देह सड़क मार्ग से धौलपुर पहुंची। जवान की पार्थिव देह BSF के वाहन में धौलपुर पुलिस के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव सोने का गुर्जा पहुंची और BSF के जवानों ने जैसे ही ताबूत में बंद तिरंगे में लिपटे सत्यवीर के शव को वाहन से नीचे उतारा। सत्यवीर सिंह जिंदाबाद, सत्यवीर सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे चारों ओर गूंज उठे। बाद में परिजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में सत्यवीर सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आके खाना वाना खाया आराम से और सो गया। सोने के बाद में दोबारा ड्यूटी का जो टर्न होता है ना, दो दो घंटे में आती है, तीन चार वो इसको जगाने गया संतरी नेक्स्ट, तो ये उठता नहीं, इसको तुरंत फिर हॉस्पिटल ले गए। उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ डेड घोषित कर दिया डॉक्टर ने। बस ये इसकी कोई इसको लगी नहीं, कोई आराम से हंसता हुआ शाम को आया। साइलेंट अटैक है कि मतलब 21 तारीख को रात 2 बजे फोन आया कि आपका भाई खत्म हो चुका है और कुछ हमको बताया नहीं है। जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड के सिरमंडी गांव के पास आज शनिवार को गाड़ी नंबर RJ19CD6898 सहित 2 कारों में अचानक भिड़ंत हो गई, जिसमें पोकर राम पुत्र भाव राम, सीमा पत्नी राजेंद्र, प्रवीण पुत्र राम सुख और अभिषेक पुत्र भवन राम, मंजू पप्पू घायल हो गए हैं। घायलों को भाजपा जिला महामंत्री मनोज पुरोहित ने ग्रामीणों की मदद से अपने वाहन से ओसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पोकर राम, सीमा, प्रवीण और अभिषेक को जोधपुर रेफर किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर अस्पताल में घायलों की सुध ली। राजस्थान के भरतपुर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस की दिन भर की पेट्रोलिंग और गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 2 अज्ञात बदमाश बाइक सवारों ने एक बुजुर्ग से 2 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। मामला थाना मथुरा गेट इलाके से गुलाल कुंड में रहने वाले बदन सिंह तोमर का है, जिसकी लड़की की पिछले दिनों शादी हुई थी। शादी के बाद बदन सिंह पर कर्ज ज्यादा हो गया था और कर्ज चुकाने के लिए वह साइकिल से कृष्णा नगर स्थित बैंक गए, जहां से 2 लाख रुपए निकालकर साइकिल से वापस गुलाल कुंड घर लौट रहा था। तभी अचानक गली में एक बाइक पर 2 युवक मौके पर पहुंचे और उस बुजुर्ग व्यक्ति बदन सिंह से थैला छीनने लगे। थैला नहीं मिलने पर उन्होंने उस बुजुर्ग को जमीन पर पटक लिया और मारपीट कर थैला लेकर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को साथ लेकर बैंक पहुंची।
बैंक में सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, जिसके आधार पर बाइक सवार बदमाशों ने पूरी रेकी की थी और उस समय बैंक में ही मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों के फोटो निकाल लिए हैं और बाइक के नंबर को ट्रेस कर पकड़ने का प्रयास कर रही है। जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे में स्थित सचियाई माता मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान हजारों की तादाद में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। नवरात्रि पर्व परम माँ की प्रतिमा का स्वर्ण आभूषण और सुंदर वस्त्रों के द्वारा श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी ओर पूरे मंदिर परिसर को सुगंधित फूलों की मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। लाइटों की रोशनी में पूरा मंदिर जगमगाता हुआ अद्भुत आनंद की अनुभूति प्रदान कर रहा है। मंदिर व्यवस्थापक ओम प्रकाश शर्मा व ट्रस्टी राजू शर्मा ने बताया कि मंदिर खुलने पर सुबह जल्दी से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात्रि तक जारी रहता है। वहीं गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र सहित दूर दराज के अनेक गांवों से मां के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में यह मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। राजधानी जयपुर स्थित ग्राम बोयतवाला में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार द्वारा बिना नोटिस दिए खातेदारी की जमीन पर बनी दो दुकान और एक कमरे को ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। पटवारी विष्णु सिंह, गिरदावर विनोद पारिक और तहसीलदार सुरेश शर्मा पर यह आरोप है कि D27 गणेश विहार बैनार रोड झोटवाड़ा निवासी लालचंद सैनी ने पत्रकारों से रूबरू होकर लगाए हैं। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि झोटवाड़ा स्थित ग्राम बोयतवाला में गत 16 मार्च को पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार ने लालचंद की निजी खातेदारी की जमीन पर बनी दो दुकान और एक कमरे को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था। इस संबंध में पीड़ित को किसी प्रकार से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस जमीन पर पीड़ित के परिवार जन को बीते 100 सालों से कब्जा है और वर्ष 2012 से इस जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद गलत तरीके से इस जमीन पर कार्यवाही की गई। दो बच्चों का दावा चल रहा था जो अचानक आए और खातेदारी की जमीन में भी तोड़ के ले गए सारी, कुछ भी नोटिस नहीं दिए मेरे को। पैसे दो दुकान की कर रहे थे बहुत दिनों से कि दो दुकान दे दो, सही हो जाएगा, पूरी रह जाएगी, 3 बीघा 13 बीघा स्कूल आ दे। ये खातेदारी की जमीन है उसमें तोड़ गए, पट्टे हैं सब है, 90 हो गई। यहाँ एक शिक्षक की काली करतूत सामने आई है। आरोपी शिक्षक छात्रा से आए दिन छेड़खानी कर रहा था। मामला छीपा बड़ौत के पीतपुर के राजकीय विद्यालय का है। छात्रा कई दिनों से शिक्षक की हरकतों से परेशान थी। छात्रा की शिकायत पर परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक रवि बिंदल को कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद कवाई थाना पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस शिक्षक को थाने ले गई। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार से रीसाइक्लिंग मशीन शुरू हुई है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक बोतलों के निस्तारण करने के उद्देश्य से इसे लगाया गया है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए एक खाली बोतल डालने पर ₹10 का फ्री प्रोमो कार्ड SMS से मिलेगा। इसे फ्री चार्ज ऐप पर मोबाइल रिचार्ज करने या विभिन्न बिलों के भुगतान में काम ले सकेंगे। एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 3 बार ये फायदा लिया जा सकेगा। मशीन में बोतल डालने पर यह प्लास्टिक बोतल को चूरे में तब्दील कर देगी। बाद में इस चूरे से रिसाइकल प्लांट में अन्य उत्पाद तैयार किया जा सकता है, जिसे डस्टबिन, टॉयलेट कैबिनेट आदि। रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि मशीन स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास लगाई गई है। मशीन का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक गौतम अरोड़ा की उपस्थिति में आयशा व स्टेशन पर्यावरण मित्र ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर मनीष राजवंशी व जोधपुर रेलवे स्टेशन निदेशक नारायण लाल उपस्थित थे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपमंत्री वीरेंद्र अग्रवाल और महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा गुप्ता झुंझुनू दौरे पर रहे। इस मौके पर झुंझुनू पहुंचने पर सम्मेलन के झुंझुनू इकाई के अध्यक्ष श्याम सुंदर जालान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर दोनों ही पदाधिकारियों ने अग्रसेन भवन में चल रही अग्र भागवत कथा में हिस्सा लिया और कहा कि इस भागवत कथा का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा।
इस मौके पर उपमंत्री वीरेंद्र सिंह अग्रवाल ने बताया कि अग्रोहा धाम में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की दिशा में कदम उठाने के लिए काम हो रहा है। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा रही है, जिनका इतिहास सहेजा जा रहा है। इसके अलावा अग्रोहा में एक टीला है, जिसके नीचे महाराजा अग्रसेन की राजधानी से जुड़ा इतिहास मिलने की संभावना है। इस इतिहास को निकालने के लिए भी हरियाणा सरकार ने बजट मंजूर कर दिया है, जिसके बाद अग्रोहा में एक म्यूजियम बनाने की योजना चल रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को महाराजा अग्रसेन के बारे में पता लग सके और उन्हें भी यह मालूम हो कि बीते जमाने में महाराजा अग्रसेन की राजधानी कितनी विकसित हुआ करती थी। देखिए, हम सब अग्रवाल जितने भी हैं महाराजा अग्रसेन की वंशज हैं, और ना सिर्फ महाराजा अग्रसेन बल्कि भगवान अग्रसेन जी की हम संतान हैं। और जो अग्रकथा अग्रसेन जी को सुनाई गई, उसको हम अग्र भागवत के नाम से उस कथा को पढ़ते हैं, और ये पुराणों से हमको मिली थी और बहुत बड़ी इस पर शोध हुआ, और तब अग्र कथा का और अग्र भागवत का जन्म हुआ। और अब हर अग्रवाल और हर संस्था, हर हमारी जो भी लोग हैं, उनकी कोशिश है कि अग्र कथा को घर घर में पहुंचाया जाए। और ये झुंझुनू के हमारे डिस्ट्रिक्ट ने, राजस्थान के, इन्होंने एक संकल्प लिया था इससे 2-3 महीने पहले, जब अग्रोहा के अंदर हमारी अग्र कथा चल रही थी, कि हम पूरे राजस्थान में जा कर के अग्र कथा करेंगे, और आज उनका इन्होंने शुभारंभ किया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी झुंझुनू के पूरे अग्रवाल सम्मेलन को, उन्होंने इतने खूबसूरत कार्यक्रम को लिया, सोचा और उसको कार्यान्वित भी किया। तो जब हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है, तो उसको हम क्यों भूलें, क्यों किसी दूसरे पंथ को देखें, दूसरों की तरफ नज़र क्यों हम बढ़ाएं, जबकि हमको लगता है कि पूरा विश्व अग्रवाल की तरफ देखे और ये देखे कि हम लोग कितनी विलक्षण प्रतिभा के मालिक हैं, हर फील्ड में हम लोग अच्छा आगे काम कर रहे हैं। तो वो उसको फैलाना किसी ग्रंथ के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो ग्रंथ है अग्र भागवत के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम सब जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे से। राजस्थान दिवस समारोह के तहत झुंझुनू के शहीद कर्नल JP जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले के विभिन्न राजकीय और निजी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। शहीद कर्नल JP जानू के प्रधानाचार्य मनीराम मंडीवाल ने बताया कि कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर JP जानू उच्च माध्यमिक विद्यालय की भावना और भारती ने स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर JB मोदी विद्यालय का सौभ्य मोदी रहा। तृतीय स्थान पर राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक के दिनेश गुर्जर और JB मोदी की कृति खेतान ने संयुक्त रूप से स्थान प्राप्त किया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर JB मोदी के हर्ष पारिक, द्वितीय स्थान पर JP जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा मनीषा कुमावत, और तृतीय स्थान पर राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक के दिनेश गुर्जर और न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल के मुनर जानेब स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर JV मोदी विद्यालय की सलोनी सोनी, द्वितीय स्थान पर केंद्रीय विद्यालय की विशाखा, और तृतीय स्थान पर राजस्थान स्कूल की निकिता और JV मोदी की वंशिका सोतिया ने स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टीमा राम मीणा सहित शहीद कर्नल JP जानू के अध्यापक उपस्थित रहे। जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन शहीद कर्नल जयप्रकाश जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू में हो रहा है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी बड़ी रुचि के साथ भाग ले रहे हैं। क्योंकि राजस्थान दिवस का आयोजन 30 मार्च को होना है, और इसी श्रृंखला में जिला प्रशासन द्वारा इसका आयोजन रखा गया है, जिसमें कविता, निबंध और चित्रकला का जो विषय है, उसमें राजस्थान की संस्कृति, लोक संस्कृति से संबंधित विषय ही रखे गए हैं, ताकि बच्चों को राजस्थान के
इतिहास के बारे में, राजस्थान की लोक संस्कृतियों के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में वो अवगत हो सके, अपने अतीत को पहचान सके और राजस्थान दिवस के महत्व को जान सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से 30 और 31 मार्च को देश में 28 नोडल केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018 का फाइनल आयोजित किया जाएगा। जयपुर में नोडल केंद्र जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां 416 विद्यार्थी लगातार 36 घंटों के सत्रों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 16 समस्याओं का डिजिटल समाधान खोजेंगे। शहर में पर्यटन विभाग की ओर से 28 से 30 मार्च तक राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में सैलानी विविध समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजस्थान की ऐतिहासिक स्थापना के राजसी वैभव से रूबरू होंगे। उद्घाटन समारोह 28 मार्च को परंपरागत राजस्थान दिवस की परंपरागत मशाल प्रज्वलित कर किया जाएगा। इस अवसर पर नगाड़ा वादन के बाद पुलिस टैटू शो JDA पोलो मैदान पर शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसी दिन संस्कृति और पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट्स फिल्म का उद्घाटन समारोह भी होगा। यह उद्घाटन नारायण सिंह सर्कल पर स्थित इंद्रलोक सभागार पर सुबह 10 बजे फिल्म अभिनेत्री मधु और मनीषा कोइराला करेंगी। इस प्रकार 29 मार्च के लिए जयपुर राइड्स खेल विभाग द्वारा अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्कल तक होने वाली साइकिल मैराथन सुबह 6:30 बजे से आयोजित की जाएगी। इसी दिन सेना अपना सिम्फनी बैंड वादन, ट्रिक राइडिंग कौशल, विशेष बल द्वारा विशेष परिचालन, टॉर्नेडो डिस्प्ले तथा NCC कैडेटों द्वारा प्रेरक गीतों की प्रस्तुति होगी। इसी दिन शाम को 7 बजे बाद से अल्बर्ट हॉल पर बॉलीवुड की गायक तिकड़ी शंकर एहसान लॉय का मेगा कॉन्सर्ट भी होगा। जोधपुर जिले के फलौदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई का जन्मदिन शनिवार को क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और युवाओं कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान लोहावट और फलौदी में भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को पशु आहार और गुड़ खिलाकर धूमधाम से मनाते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं विधायक बिश्नोई के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें स्वयं फोन कर बधाई दी। निमास कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शनिवार को कस्बे में टीबी हटाओ देश बचाओ को लेकर रैली निकाल ग्रामीणों को जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर छात्राओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पूरे ग्राम भीम में रैली निकाली। रैली की शुरुआत विद्यालय प्रांगण से शुरू हुई, जो ग्राम की मुख्य मार्केट भंडारी कॉलोनी से होते हुए सेठ कालूराम केसरी बाई राका राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ML कावत और महेंद्र कुमार राठी ने छात्राओं को टीबी के लक्षण और टीबी के प्रकार इत्यादि की जानकारी देकर अवगत कराया। इस दौरान रैली में वही स्कूल स्टाफ घनश्याम गौड़, बंशीलाल पवार, श्रीमती सविता भाटी, श्रीमती लवलीना, सुश्री चित्रांगदा आदि ने टीबी जुलूस को लेकर बच्चों को प्रेरित किया। बैराज रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में शुक्रवार को यूरोपियन योगा गुरु ने बच्चों को सूर्य नमस्कार और योग सिखाया। सेंट जोसेफ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अजय शर्मा ने सभी बच्चों को सबसे पहले योग के फायदे बताए। इसके बाद यूरोप से आई योग गुरु ओल्गा मार्लोबा ने बच्चों को योग क्रियाएं सिखाई। योग क्रिया के बीच बीच में योगा टीचर ने योगा मेडिटेशन भी करवाया। उन्होंने खेल खेल में भी योगा कैसे किया जा सकता है यह करके दिखाया। उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से तन और मन को कैसे शांत रखा जा सकता है वह क्रिया भी करके दिखाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।